हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूँ नीलम। तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक यूनिक सा सिंपल सा लवली सा सैलड डेकोरेशन, जो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है और कितना इजी है। और एक बात और कि एक ने पूछा मुझसे कि मैंने ये रोज़ फ्लावर कैसे बनाया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने रोज़ फ्लावर को बहुत बार बताया है बताना कि इसे हम कैसे बनाते हैं, बट मैं आपके रिक्वेस्ट पे एक बार और बताऊंगी। तो चलिए बस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को करना है हमेशा की तरह हिट, ताकि मेरे लवली लवली जो डेकोरेशन है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी थी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सैलड स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले लिया है आपको ये कैबेज, पर्पल कैबेज। और हमेशा मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास पर्पल कैबेज नहीं है, क्योंकि ये इजीली मार्केट में नहीं मिल पाता है, तो आप इसके जगह पे बीटरूट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीटरूट आपको किसी भी जगह पे मिलता है और आप कहीं से भी इसे मंगा सकती हैं। तो बीटरूट को मैंने एकदम रफली चॉप कर लिया है और उसको इस तरह मैंने हार्ट शेप देने की कोशिश की है। और इसके चारों तरफ हम अरेंज करेंगे कुकुम्बर। यहाँ पे कुकुम्बर मैंने गोल गोल और सर्कल सर्कल आप देख रही हैं मैंने स्लाइसेस कट किए हैं और इसको इस तरह ऐड करूँगी, इस तरह बारीकी से। सैलेड को कट करना बहुत सिंपल है, बट सैलेड को डेकोरेट करना उससे भी ज़्यादा सिंपल है। हाँ, बस सावधानी इस बात की रही है कि जो भी डेकोरेट आप करें थोड़ी सी आपकी फिनिशिंग हो, जो देखने में आपके कैसा भी खाना हो आपके प्लेट को सुंदर बना दे, जिससे कि आपके खाने में चार चांद लग जाए। तो ये रहा डेकोरेशन। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा डेकोरेशन स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके भी काम आते हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं और भी अच्छे अच्छे आपको लवली लवली सैलड डेकोरेशन बताऊँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और ये बनाया है मैंने रोज़, रोज़ मैंने तीन दिए हैं। यहाँ मैंने बटरफ्लाई का लुक दिया है, इसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे लेमन और ग्रीन चिल्ली। देख सकते हैं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई भी सैलड डेकोरेशन मेरा सिर्फ देखने में सुंदर लगता है। उसको कट करना बिल्कुल सिंपल होता है, जिसे बिल्कुल हार्ड नहीं है, और एक लवली सा सैलड डेकोरेशन और लवली सा लुक आप दे सकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है। यहाँ पे मैंने लुक दिया है बीटरूट का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो एक थोड़ा सा लवली लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने बीटरूट यूज़ किया। और बीटरूट को मैंने हाफ हाफ स्लाइसेस में कट कर लिया है और उसको इस तरह हम साइड में ऐसे अरेंज करेंगे, ये देखिए इस तरह। अब सैलेड का प्लेट बहुत खूबसूरत लग रहा है और पूरा सैलेड का प्लेट बन के बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल सिंपल सा यूनिक सा सैलेड डेकोरेशन। और ये बहुत देखने में भी लवली है और कितना सिंपल लग रहा है, और इसे आप इजीली घर में सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ, तीन इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बना सकती हैं। सब्जियाँ यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार ऐड कर सकती हैं। तो आपको मेरा ये जो वेजिटेबल है वो कैसा लगा, आपको मेरा डेकोरेशन कैसा लगा, इतने सिंपल तरीके से आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय बाय।